जी कुर्बान भाई, ये तारीखी मकाम है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये हमारे नबी की आँखों की बनी हुई मस्जिद है जी। अच्छा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आँखों की बनी हुई मस्जिद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अली? हाँ जी, हज़रत अली, अली ने बनाई थी? हज़रत अली और आप सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी। अच्छा माशाल्लाह। तो करीबन सर इसकी कितनी ये तारीख, कितनी पुरानी तारीख है ये? कन्फर्म है कोई? नहीं, कन्फर्म नहीं है, याद नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी तारीख है जी। अच्छा, ये मरम्मत करवाइए। और ये मस्जिद कुआ है ये, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे वहाँ से मक्का से। अच्छा, तो उस वक्त यहाँ पे लोगों ने पत्थर मारे थे इस एरिए के लोगों ने, फिर यहाँ पे आके बैठ गए थे। अच्छा, यहाँ बैठ गए थे, उसके बाद जो है ना फिर वो जो इनके साथ एक सहाबा भी थे, फिर इस मस्जिद का नाम कुआ रखा था, क्योंकि कोनी को कुआ बोलते हैं, फिर कोनी के साथ लगा के पत्थर पर बैठ गए थे यहाँ पर। तो फिर इस जगह का नाम, इस जगह मस्जिद बनाई है, और ये उस वक्त की मस्जिद तामीर है, और इसको मस्जिद कुआ का नाम दिया गया है। और इधर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी यहाँ पर उतरे थे उस टाइम पर, जब इनके पाँव जख्मी हो गए थे। तो उस वक्त फरमाया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कि अगर आप हुक्म करें तो ये जो पहाड़ हैं, ये जो सामने वाले, इनको जो ना मिला दिया जाए। ये इधर बैठे, इधर आए थे, यहाँ ज़ख्मी थे यहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस टाइम आए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये हो सकता है कि ईमान नहीं लेकर आए, मगर इनके आने वाले नस्लें ईमान लेकर आएंगी। हमारे नबी पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया उस टाइम पर, और जो है ना आज देखो यहाँ पूरा का पूरा जो जितने लोग हैं सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये इसकी तारीख कितनी पुरानी तारीख है सर, ये कन्फर्म है कोई? बस ये नबी करीम सल्लम के दौर की, जब साल का टाइम था। हाँ सर जी। अच्छा, ये जब ये ताइफ आए थे मक्का से हिजरत करके यहाँ, जब मक्का से हिजरत करके ताइफ में आए, ये मक्का, हाँ मक्का से इधर आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।